अस्सलाम वालेकुम। आज बेसन का हलवा बना रहे हैं, जिसके लिए बेसन लिया है 2 कप, सूजी 4 खाने के चम्मच, देसी घी 1 कप, खोया आधा कप, चीनी 1 कप या हसबे ज़रूरत, पानी आधा कप, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, 3 खाने के चम्मच कटे हुए पिस्ते और 3 खाने के चम्मच कटे हुए बादाम। शीरा बनाने के लिए एक पैन में चीनी और पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब शीरे को गाढ़ा होने तक पका लेंगे। शीरा जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। शीरा तैयार है, अब इसको एक साइड पे रख देंगे। हलवा बनाने के लिए एक पैन में देसी घी डाल देंगे। अब इसमें बेसन और सूजी डालकर मिक्स कर लेंगे। घी में बेसन और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे और इसकी चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि बेसन नीचे ना लग जाए। बेसन को हल्की आंच पर पका लिया है, जब इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तो इसमें हम खोया डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। खोया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें शुगर सिरप डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर सिरप को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब इसमें बादाम और पिस्ते डालकर मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हलवा तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। बेसन का हलवा सर्व कर दिया है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका बेसन का हलवा कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।